नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त हम हैं गोड्डा के अशोक स्तंभ पर। आप हमारे पीछे एक बैनर देख पा रहे होंगे कि नगर परिषद अध्यक्ष श्री दिजेंद्र कुमार मंडल उर्फ गुड्डू मंडल एक तरफा पुलिसिया कार्रवाई एवं गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन। ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए तमाम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर इनका धरना प्रदर्शन नहीं होगा, प्रशासन ने इस धरना प्रदर्शन को रोक दिया है। क्या है मामला और क्यों इसे पर धरना प्रदर्शन को रोक दिया गया, आप देखिए। तमाम बैनर पोस्टर जो है अभी तुरंत यहाँ पर लगाया जा रहा था और अब जो है इनको तमाम टेंट और पूरे बैनर को यहाँ पर खोल दिया जा रहा है। क्या मामला है यहाँ पर हम बात करते हैं और इन सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था इस यहाँ पर, जो इस यहाँ पर आप लोग धरना देने के लिए पहुँचे थे लेकिन प्रशासन के वजह से आप लोग को रोक दिया गया है। क्या इसमें मामला क्या है? देखिए, मामला कल हम अनुमंडलाधिकारी को ये आवेदन दिए थे अपने तरफ से कि कैंडल मार्च करना है और 5 तारीख को हम लोग को धरना प्रदर्शन करना है, तो ये उनको दिए थे। उन्होंने कहा, उनसे बात करके हम गए थे तो उन्होंने कहा ऑफिस से गोपनीय शाखा से रिसीव करा लीजिए, ये आपका अनुमति हो गया, आप कल बैठ सकते हैं। और अचानक से आज जब हम लोग का 10:30 बजे से समय था तो देखते हैं 11:30-12 बजे लगभग ये लेटर हमको फ़ोन किया गया और अभी हमसे रिसीव करा के लेके गए कि आपको अनुमति नहीं दिया जाता है, अनुमंडलाधिकारी ने अनुमति नहीं दिया है। तो ये हमको समझ में नहीं आया कि कल शाम में वो हमको 4 बजे अनुमति देते हैं और अचानक से आज 11:30 बजे वो अनुमति नहीं देते हैं, तो ये सब मेरे समझ से परे हैं। क्या चीज़ का हवाला देकर के प्रशासन जो है आप लोग को यहाँ पर धरना देने से रुकी? देखिए, प्रशासन ने हवाला दिया हमें कि मुख्य सचिव झारखंड सरकार का एक लेटर आया है, ये देख लीजिए आप। इसमें उन्होंने दिया कि 31/7/2021 को ही COVID-19 को लेकर हमें अनुमति नहीं दे सकते हैं किसी भी हाल में, उसे प्रतिबंधित किया गया है धरना प्रदर्शन या कोई भी तरह का। तो हम प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि आपने जब ये हमारे धरना प्रदर्शन के लिए किया है तो अभी 2 दिन पूर्व आपने राजद वाले को जो दिया था, क्या वो धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के बैठ गए थे या आपने उसको अनुमति दी थी? आखिर वो कैसे बैठे और 2 दिन बाद ये नया नियम, जबकि आपका 31/7/2021 का ही 7वें महीना में ही आया है, तो ये नया नियम अचानक कहाँ से 12-13 घंटा या 15 घंटा के अंदर आ गया? बस यही सवाल है मेरा उनसे। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को लेके बाद जो इनका जो कहना था कि अगर हमें आज अनुमति नहीं दी जा रही है तो 2 दिन पहले जो वो कार्यक्रम हुआ था, वो धरना प्रदर्शन, उसे क्यों अनुमति दी गई थी? तो इन तमाम बातों को लेकर के प्रशासन पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब आज धरना प्रदर्शन के लिए बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वहाँ जानकारी निकल के आ रही है, तो फिर और पहले 2 दिन पहले जो वो धरना प्रदर्शन था वो क्यों था? क्या लगता है ये सब उल्लंघन है? इसे उल्लंघन कर रहा है हम लोग को साथ में, एकदम अत्याचारी है, जाति पक्ष वाला बात हो गया, तो अब क्यों इस तरह हम लोग को बेइज्जती कर रहा है हमेशा बार बार? इसमें क्या उस सबको है वो भी बोल दे खुल के। जीने का सबको हक बराबर है, अब आपका पावर है तो किसी जो है ये कर दीजिएगा तो गलत बात है ना। नहीं मिलने के बाद, धरना के आदेश नहीं मिलने के बाद यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जो है वो थोड़े मायूस हो गए हैं। पार्षद से लेकर के उनकी पत्नी तक यहाँ पर पहुँची हुई थी और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर गुड्डू मंडल की पत्नी भी हमारे साथ है। क्या हुआ था जो धरना प्रदर्शन करने आप लोग आए थे और आप लोग को आज प्रशासन रोक दी? कल तो SDO साहब ने दिए थे आदेश, हमारी उपाध्यक्ष जो है बेनु चौबे जाकर के ली थी, लेकिन आज अचानक 11:30 बजे आता है 12 बजे की नहीं, आपको नहीं मिलता है आदेश, तो अब क्या कहा जाए? क्या लगता है सबके पीछे क्या लगेगा, तो उन्हीं से पूछिए जा करके, अब हम क्या बताएंगे? हम तो कुछ नहीं ना कर सकते हैं, एक जनप्रतिनिधि के आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, नगर अध्यक्ष की यहाँ पर धर्मपत्नी थी, वो भी बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये लोग तमाम जितने भी यहाँ पर नगर उपाध्यक्ष बेनु चौबे थे, यहाँ पर तमाम कुछ पार्षद यहाँ पर पहुँचे हुए थे, गुड्डू मंडल की पत्नी यहाँ पर पहुँची हुई थी और इन सभी को यहाँ पर धरना स्थल पर इस वक्त यहाँ पर धरना देने का इन लोगों ने अनुमति मांगे था, लेकिन अभी जो है SDO की तरफ से वहाँ इन लोगों को बयान आया कि हम जो है अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसके बाद से ये तमाम टेंट और यहाँ पर बैनर पोस्टर जो है खुलने लगे हैं। तो ये थे यहाँ पर की तस्वीर, गोड्डा के अशोक स्तंभ की ये तस्वीर थी। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका।
CST खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर।